बाबा बाबा सदा सुखी रहो। मेरे पोते की कुंडली देखकर इसका भाग्य बताइए। अवश्य अवश्य। माथा दिखाओ। इसकी ललाट की रेखाएं तो स्पष्ट कह रही हैं, बृहस्पति चंद्र सूर्य मंगल और शनि का प्रबल प्रकोप है। इसकी जन्म कुंडली में तो सब कुंडली मार कर बैठे हैं। अगर किसी ने इसको छेड़ा तो निश्चित रूप से इसको छोड़ेगा नहीं। बाबा इसका नाम क्या रखें? समीर। ठंडी हवा का झोंका। समीर। इसका उग्र स्वभाव है ना, इसलिए इसको शीतल रखेगा, ठंडा रखेगा। आजा, 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 आजा। आहा, समीर। एक बात बताऊं? जी। इसके विवाह के बारे में भूल कर भी मत सोचना। देखो मारी नलात। ये जैसे जैसे बड़ा होगा इसकी जुबान कम और लात घुसा ज्यादा चलेगा। Move, children, move. Samir, what are you doing? Samir, Samir, leave him, Samir. Samir, Samir, I say. Don't, Samir. No, Samir. Oh, my God. Samir, Samir, chod. How dare you, Samir? Samir, chod. Samir. Samir, chod. Sorry, sir. I'm very, very sorry. Please, sir. Okay. Chal, Samir. Chal. Samir, main principal pe haath kyun uthaya? जब मुझे गुस्सा आता है ना, ऐसा लगता है मेरे दिमाग में 100 गिटार बज रहे हैं। कूल डाउन समीर, कूल डाउन। अच्छा एक बात बता, तूने चिंटू को क्यों मारा? उसने तुझे गाली दी इसलिए मैं गुस्सा हो गया। देख समीर, मेरी माँ कहती है गुस्सा प्यार का दुश्मन है। जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उसके काबू में कुछ नहीं होता। चल अब गुस्सा छोड़ और हंस दे। हंस, हंसना। अच्छा तू ऐसे नहीं हंसेगा, अभी तेरा मूड ठीक करता हूँ। पता मीस चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, आजा मेरे यार। This is too much. This is too much. समीर का तो रोज किसी न किसी के साथ झगड़ा होता ही रहता है और आज उसने मुझ पे प्रिंसिपल पे हाथ उठाया। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मैडम। ये तो ठीक है कि अरुण है जो उसके गुस्से को हमेशा शांत कर देता है। उसका गुस्सा तो पैदाश ही है, क्या बताऊं? जब से उसके माँ बाप गुजरे हैं उसका गुस्सा तो और भी बढ़ते जा रहा है। हम सब समझते हैं मैडम, इसलिए तो उसको स्कूल से नहीं निकाल रहे हैं। बट आई एम रियली वरीड, समीर मल्होत्रा का बचपन अगर ऐसा है तो उसकी जवानी कैसी होगी? हाँ तीन फ्रैक्चर, 35 टाके, ये सब तुमने किया? जी हाँ, मैंने इन्हें मारा है। लेकिन जरा इनसे पूछिए तो सही, क्यों मारा? Hey, come on, babe.
जिस लड़की से समीर शादी करना चाहता है उस लड़की को बॉल बनाकर बास्केट में डाल रहे थे। 1998 में तुमने कॉलेज के प्रोफेसर को मारा? लड़कों को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं था उनके पास, लेकिन लड़कियों को घर बुला के अकेले में ट्यूशन देते थे। नीयत खराब थी उसकी, दिए दो हाथ, क्या गलत किया? सन 2000 में तुमने डूबते हुए आदमी को पानी से निकाल कर फिर मारा। अरे लेकिन बचाया भी तो मैंने ही, वहां पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था तैरना मना है, डेंजर जोन, तब फिर गया क्यों वहां? दिए दो हाथ, क्या गलत किया? देखो पिछले 5 साल में तुम्हारे 8 कंप्लेन आई हैं। आगे और भी आ सकती हैं। लिसन, दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू, अगर अगली बार कोई कंप्लेन आए तो तुम सीधा जेल जाओगे। 3000 रुपीज फाइन। यू मे किस द ब्राइड। रोमा तुमने शादी कर ली? समीर प्लीज, समीर टुडे इज माय वेडिंग डे, आज गुस्सा मत करना, किसी के ऊपर हाथ मत उठाना प्लीज समीर। नहीं तुम रुको, पता नहीं कब किस पे हाथ उठाए। मैं हाथ उठाऊंगा तुम पर? क्यों, कैसे उठा सकता मैं तुम पर हाथ? मैं तुमसे, और मैं सोचा था कि तुम मुझसे शादी। तुम क्या समझते थे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमने कभी मुझे कहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं ना, और इसे देखो, ही सो स्वीट, सो जेंटल, और बहुत प्यार करता है मुझसे। और तुम, एक बात सुनो समीर, तुमसे कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती, सिर्फ डर सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है कि मुझे भी डर लगता है। और उस दिन भी बास्केटबॉल के कोर्ट में तुमने उन लड़कों को किस तरह से मारा था समीर। लेकिन गलती उनकी थी, सजा तो उनको मिलनी चाहिए थी ना। गलती तो इंसान से होती है समीर, और मुझसे गलती होती तो तुम मुझे भी मारते ना। हाँ मारते ना, चलो। समीर तू जा रहा है बेटा? जी दादी माँ, गोवा में मुझे लाइफगार्ड की नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी है। और दादी यहाँ पे मेरे झगड़े भी बहुत होते हैं, नई जगह जाऊँगा, नए लोग मिलेंगे, शायद झगड़े भी ना हो। बेटा जाने से पहले एक बार सोच ले, झगड़े का कारण तो तेरा गुस्सा है, और तू जहाँ जहाँ जाएगा गुस्सा तेरे साथ जाएगा। हाँ भैया, अगर आप चले जाएंगे तो मुझे हर वक्त आप ही की फिक्र रहेगी। अरे फिक्र तो मुझे तेरी लगी रहेगी, तेरी पढ़ाई लिखाई करानी है, तेरी शादी करानी है, दादी की आंखों का ऑपरेशन करा के जल्द से जल्द उन्हें दादा के पास भेजना है। मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, उसको इंतजार करने दे। लेकिन जाने से पहले तुझे ये वादा करना पड़ेगा, ना तू किसी से झगड़ा करेगा, ना किसी से मारपीट करेगा, समझो मेरे बच्चे? दादी मैं आपकी सर की कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद मैं गुस्सा कभी नहीं करूंगा। वो आपका सामान है, ये बैग भी आपका है, चार, ये चारों बैग आपके हैं जी। अच्छा, इसमें वो वाला बैग कौन सा है? मतलब वो वाला बैग जिसमें पैसे, जेवर, दूसरे इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह होते हैं, वो बैग? क्या है आजकल जमाना बहुत खराब है ना, यहाँ आपका ध्यान गया, हमारा सामान गया। और फिर चोरी चकारी तो होती रहती है आजकल, खासकर ट्रेन में, समझ में ही नहीं आता मुसाफिर कौन है और चोर कौन है। तुम सो जाओ, मैं जागता हूँ ना। नींद नहीं आ रही। अरे भाई साहब, ये रात को 3 से 5 का जो वक्त होता है ना, वो बिल्कुल कुंभकर्ण का टाइम होता है। आदमी कितना भी पहलवान क्यों ना हो, एक बार तो उसकी गर्दन ढली जाती है। अब देखना है आपकी गर्दन कब ढलती है, सो जाइए। कहा ना आपसे नींद नहीं आ रही मुझे। ठीक है भाई, क्या है अपन नींद के बहुत कच्चे हैं, अपन सो जाते हैं।
जी दादी, खैरियत से पहुंच गया हूं। जी जी दादी, ओके दादी जी। थैंक यू भाई साहब। किस लिए? मेरे सामान की रखवाली करने के लिए। बताता हूँ क्या है साहब, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं रात को जाग नहीं सकता और ट्रेन में मैं सो नहीं सकता ना, ये सामान वामान चोरी होने का खतरा होता है ना, इसलिए मैंने ये हरकत की ताकि मैं आराम से सोऊं, आप मेरे सामान की रखवाली करें, है ना आइडिया? एक बात बोलूं, आप बहुत मस्त आदमी है, मैं तो सोचता हूँ लौटते टाइम भी आप ही के साथ सफर करूँ। ये मेरा कार्ड है, इस पर फोन कर देना, मैं आपको ढूंढ लूंगा स्टेशन पे। बाय बाय। ए दादी मेरी मदद कर। नई जगह पे मेरे बेटी की रक्षा करना। समीर को अपना प्यार मिल जाए। राज हूँ वो पॉल है, दुर्भाग्य पॉल, दुर्भाग्य से दोनों भाई हैं वो भी जुड़वा। मैं राज पुरोहित लोगों की कुंडली देखकर भविष्य बताता हूँ, ये लोगों की कुंडली बिगाड़ता है। ये आपके भाई करते क्या हैं? अरे ईगल गैंग वाले लोग हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं, आप इनके रास्ते में कभी मत आना। नहीं कभी नहीं। वैसे भ्राता श्री, आप इस शहर में अजनबी लगते हैं, किसके यहाँ पधारे हैं? दुग्गल साहब के हैं। दुग्गल साहब? हाँ उनके यहाँ कमरा खाली है। अरे कमरा नहीं, उनका दिमाग भी खाली है। वो गोवा में पुलिस इंस्पेक्टर थे, एक चोर ने सर पे डंडा मार दिया, तब से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, तो वो क्लॉट जहाँ रुकता है वो हिस्सा बेकार हो जाता है, तो कभी अंधे होते, कभी बहरे होते, कभी गूंगे होते, देखते आज क्या है। आज अंधे हैं। मैं नहीं मानता। आप अभी मान जाओगे। दे रहे दुक्कल साहब। वो तो देख रहे हैं। वो नहीं देख रहे, आप देख रहे हो, अभी बताता हूँ, रुको। कब बख्शो? आज अंधा हूँ तो मारते हो, कल जब दिखाई देगा ना तो तुम में से मोहल्ले में एक भी दिखाई नहीं देगा। हाँ अब आ गया यकीन, रुक जाओ। अरे अच्छा वो तू आ गया, सुबह से चाय नहीं पी है, ला एक आधा लीटर दूध दे दे। क्या हुआ, दूध खत्म हो गया बंसी? जी मैं बंसी नहीं हूँ, समीर हूँ। अरे माफ करना, मैं आपको अपना दूध वाला समझा। ये हेडलाइट कब बुझ गई चाचा? तुझसे क्या मतलब, तू कोई डॉक्टर है क्या? चल दूध दे। अरे मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं राज हूँ, ज्योतिषी पंडित। अरे ज्योतिषी पर ये तेरा मुँह इतना बड़ा कैसे? अरे मुँह नहीं है तो बैग है। अच्छा मुँह ये है? पचक जाओगे चाचा। कैसे आना हुआ, क्या काम है? काम मुझे, मेरी नौकरी बीच रिजॉर्ट पे लगी। हाँ। शर्मा जी ने आपसे बात की है कमरे के बारे में ना? हाँ, हाँ तो आओ ना, मैं कमरा दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हारा कमरा।
ऐसे यहाँ से ऊपर जाओ, सीधे हाथ में तुम्हारा कमरा है, जा। चाचा यहाँ कोई कमरा नहीं है। नहीं है? रात को तो देख के सोया था, सुबह आ गई तो कमरा भी गया। नमस्ते। ओफो, आप गलत जगह दिखा रहे, कमरा वहाँ है। वहाँ कहाँ? यहाँ। चलिए। बाहर निकाल रही हो? अंदर ही जा रहे हैं। चलो, चलो। कमरा बाद में देख लूंगा, पहले किराए की बात कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ 2,500 रुपए दे सकता हूँ। और मैं कम से कम 5,000 लूंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना चलो बाहर। चलो। अरे मैं हूँ बाबा। तुम कहाँ बीच में आ जाती हो बार बार। एक काम कीजिए चाचा, 2,500 में इनको आधा कमरा दे दीजिए, बाकी का आधा कमरा 2,500 में किसी दूसरे को दे देना। तो क्या ये बंसी भी साथ में रहेगा? मैं बंसी नहीं हूँ। फिर नाराज क्यों होता है, ला आधा लीटर दूध दे दे। अरे मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं राजी हूँ ज्योतिषी। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, जाके लोगों की कुंडली देखना यार। जा, मैं जब तक समीर को कमरा दिखा दूं। चल समीर। अरे बाबा मैं हूँ। अरे यार ये समीर कहाँ है? यहाँ हूँ तुकल साहब। चल चल। भगवान, दादी की आंखों का ऑपरेशन कराने की जिम्मेदारी तेरी, बहन की पढ़ाई और बहन की शादी कराने की जिम्मेदारी तेरी। इन गुल्लक्स को जरा प्लीज जल्दी से भर देना। और हाँ, तुझ पर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। बालकनी से आने जाने का रास्ता प्रदान किया है भ्राता श्री। नहीं, वैसे त्रुटि आपकी नहीं है, इस घर में जब कोई भी किरायेदार रहता है वो एक बार गिरता अवश्य है, क्योंकि सामने का नजारा ही कुछ ऐसा जी। है। वैसे हम चाहते हैं ऐसा अवसर आप हमें रोज प्रदान किया करें, पहली बार पंडित जी को बहुत अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है। अरे तुम, अरे भाई मैंने फोन करने को बोला था, तुम तो लेने आ गए। नहीं भाई नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तू एक काम कर, 2-4 दिन गोवा वगैरह घूम ले, फिर अपन लोग साथ चलेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन है ये? इज अ न्यू मैनेजर। न्यू मैनेजर कर गया है, मार डालेगा मेरे को। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम सैम। आई एम गुड, हाउ यू डूइंग? आपने मुझे बुलाया सर। आपका नाम सूरज है? नहीं, सूरज प्रकाश। सूरज जी, आपके डूबने का वक्त आ गया है और आप दिन में कभी निकलेंगे नहीं। देख रहा हूँ कि 14 साल की ड्यूटी में आपने कभी नाइट नहीं की, तो आज से 1 महीने के लिए आपकी नाइट ड्यूटी। सर मैं मर जाऊंगा। 2 महीने और बर्बाद हो जाऊंगा सर। 3 महीने और सुनिए जी सर, नींद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और जो 3 से 5 का जो वक्त होता है ना, वो कुंभकर्ण का वक्त है। अगर उसमें आपकी गर्दन लुढ़की तो मैं आपका नाम इस रजिस्टर से लुटका दूंगा। समझ गया, समझ गया। समीर जी। ये बाइक कब मिली? कंपनी वालों ने आज सुबह दी। आज नहीं कल मिली? नहीं आज मिली। तुम बाइक की बात कर रहे हो, हम नजर की बात कर रहे हैं। रानी से तुम्हारी नजर कल मिली ना? रानी कौन? रानी, मैं तो खेलते हुए बच्चों को देख रहा हूँ। अच्छा,
अरे मैं नाम का नहीं, मैं काम का ज्योतिषी हूँ। मैंने तुम्हारी कुंडली देख ली है। अच्छा मैं तुम्हें रानी से मिलवा देता हूँ, वरना तुम ऐसे ही खिड़की से गिरते रहोगे ना। अरे हम तो प्रेम के पुजारी हैं, हमारी वजह से दो दिल मिलते हैं, एक घर बसता है, बच्चे किलकारी मारते हैं, इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए और क्या होगी। सुना इनका बाप कर्नल बड़ा सख्त आदमी है। अरे अभी रिटायर्ड है, कभी भी बुलावा आ सकता है, और उन्हें तुमसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा। कहीं नहीं, कहीं नहीं। देखना पहली मुलाकात में गले लगा लेंगे तुम्हें। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू फॉर द कॉफी, बाय यू गाइस। रानी जी आपसे कुछ नाराज है? नहीं तो फिर उस दिशा में क्यों जा रही है? रानी जी, पंडित जी यहाँ आओ। इस तरफ आ रही है जी, देखना एक बार हाथ मिले दिल मिलने में देर नहीं लगेगी। आओ आओ तैयार हो जाओ। आजकल कर्नल साहब 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी वो गाड़ी खराब हो गई ना, तो उसी के चक्कर में गए हैं। हमने उनसे कितनी बार कहा है कि आपके कार्बोरेटर की महादशा चल रही, कम से कम 125 रुपए का पेट्रोल डलाया करो, 25 रुपए से ऊपर के डलवाते नहीं है। खैर छोड़ो, ये है मेरे बचपन के दोस्त समीर। हालांकि बचपन मिले नहीं है, जवानी में आके मिले हैं। और ये रानी, समीर लाइफ गार्ड, रानी फैशन डिजाइनर। हाथ बात तो मिला लो। बच्चे को संभाल नहीं सकते? क्या हुआ? टायर फटा? नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? डैडी। क्या मुलाकात हुई है कर्नल से इनकी? किसने इन्हें चाटा मार दिया? ऐसा लगा कि बम फट गया। पापा आप ठीक तो है ना? पूछो मत बेटा, ऐसा लग रहा है कि किसी ने गरम गरम लोहा पिघलाकर कान में डाल दिया हो। तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था, ये तो है ही शैतान। वो तो कर्नल साहब ने ब्रेक मार के बचा लिया इसे। ए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे पापा के ऊपर हाथ कैसे उठाया? मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके पापा हैं। और लेकिन ये बच्चा, बच्चा बच्चे की माँ यहाँ पे है, पूरी दुनिया यहाँ पे है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तुम हीरो बनने की कोशिश क्या कर रहे थे? What were you trying to do? Please, आप दोनों झगड़ा बंद करो और जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। अरे कंडक्टर नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। वहीं जा रहे हैं। अरे ये तो बहरे हो गए, ये क्या किया? जिनसे रानी का हाथ मांगना था उनके कान पे हाथ दे दिया। रानी कौन है सर? तुम डे और नाइट दोनों ड्यूटी कर रहे हो? नहीं सर, मैं डे टाइम में आपको रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि मेरी बैड नाइट को गुड नाइट में बदल दीजिए सर, मेहरबानी कीजिए मुझ पर। क्यों? क्योंकि नाइट ड्यूटी के बाद जब मैं घर पहुंचकर खिड़की दरवाजे पर्दे लगाकर सोना चाहता हूँ तो मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि देखो देखो मैटिनी शो शुरू होने वाला है, और मेरी पत्नी जो है ना वो सारा गुस्सा उन बच्चों पे निकालती है ये कहकर कि आजकल यहाँ कोई शो ही नहीं हो रहा है। जरा सोचिए सर, मेरी इज्जत का क्या होगा। ठीक है ठीक है, सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना। अच्छा कितना टाइम सर? यही 1.5-2 महीने। क्या? नहीं नहीं, तो फिर मेरी ड्यूटी कब चेंज होगी सर? उसके 3 महीने बाद। ओके सर, ओके सर, ओके। सर ये रानी कौन है सर? समीर, समीर। हाय रानी। हाय। थैंक गॉड तुम आ गई, मैं बहुत टेंशन में था। क्यों, अब क्या टेंशन, अब तो हम लोग दोस्त बन गए हैं ना। आपसे तो दोस्ती हो गई लेकिन आपके पापा ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। देखो जब किसी चीज की शुरुआत बुरी होती है तो बाद में सब ठीक हो जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। हमारा मतलब ये है कि हमने पापा को मना लिया है और उन्होंने आज रात आपको डिनर पे बुलाया है। अच्छा? Yes. Really? Yes. सच? Yes. और देखो वो आर्मी ऑफिसर है, वक्त के बहुत पाबंद है, ठीक 9 o'clock आप पहुँच जाएंगे। You know what? I'll be there 8. 8 बजे पहुंच जाऊंगा। जी नहीं, आप ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद आएंगे। I'll see you at home at 9 o'clock. All right, see you later. बड़े खुश लग रहे हैं आप? टॉमी की बहन जी, see you at home. तो ऐसे बोल कर गई जैसे आप घर पहुंचेंगे और टॉमी के जीजा जी हो जाएंगे। लेकिन टॉमी के पिताजी उर्फ कर्नल साहब को प्रभावित करने के लिए शैंपेन ले जाना मत भूलिएगा, उसे एक ही झटके में खोल देना।
गुड इवनिंग सर। कौन समीर? जी सर। आओ भाई आओ, अंदर आ जाओ। सर एक्चुअली मैं माफी मांगने आया हूँ, उस दिन जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अरे भाई माफ कर दिया तभी तो यहाँ खड़े हो। जी। बड़ा प्यारा कुत्ता है सर। ये टॉमी है, कुत्ता नहीं, मेरे बेटे जैसा है, ध्यान रहे। ऑफ कोर्स सर। बैठो। थैंक यू। मैं पंजाब में पटियाले का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरे अंकल आर्मी में थे, एक बार उनकी बंदूक लेकर मैं खेतों में निशाना लगाने चला गया। उन्होंने गुस्से में आकर मुझसे बंदूक छीन ली। अरे बाप रे। और कहा कि ये सरकारी बंदूक है। मुझे भी तैश आ गया और मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली और मुझे अपनी बंदूक मिल गई। कुछ सालों बाद गोवा में आजादी की लड़ाई थी और मेरी पोस्टिंग गोवा में हो गई। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं सेटल हो गया। लकीली मुझे गोवा बहुत पसंद है। लकीली मुझे भी गोवा बहुत पसंद है। सर पंजाब में मुर्गी को क्या बुलाते हैं सर? कुकड़ी। चिकन। और लड़की को? कुड़ी। कुड़ी। कुकड़ी। 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 वाओ सर, ये जो मेडल्स हैं आपने जीते हैं? मेरी बीवी तो आर्मी में थी नहीं, तो जाहिर है कि मेरे ही होंगे। सॉरी सर, दरअसल आपकी पर्सनालिटी के सामने मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, इसलिए बेवकूफों जैसे सवालात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। और सर वो जो मेडल्स के साथ वो चाइनीज पॉट है जो एंटीक दिखता है, वो क्या चाइनीज टी के लिए, चाय के लिए? इसमें मेरी माँ की चिता की राख है, लगता है कि उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे ना? अब भी करता हूँ। बहुत कोशिश की हमने उसे बचाने की, लेकिन जो भगवान को मंजूर था। छोड़ी ना पापा, डिनर स्टार्ट करें। पनीर। वन सेकंड। अरे बेटा, ये लाने की क्या जरूरत थी? पहली बार आया हूं इसलिए। लाओ मैं खोल देता हूं। नहीं सर, प्लीज मुझे मौका दीजिए। आई लाइक टू प्रपोज अ टोस्ट टू द ब्रेव कर्नल, हिज ब्यूटीफुल वाइफ एंड टू योर सुंदर कुड़ी। मे वन डे यू फाइंड अ वेरी हैंडसम मैन। फर्स्ट टाइम। सॉरी सर। ये क्या किया तुमने? सॉरी सर। चलो चलो, मुसीबतों के खिलाड़ी मोहब्बत के दुश्मन। चुप, सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी वजह से? तूने तो कहा था कि शैंपेन को एक झटके में खोलना। अरे तो मैंने शैंपेन खोलने को कहा था, मैंने अस्थियां तोड़ने को नहीं कहा था। चलो ठीक है, अस्थियां टूटी, एटलीस्ट उसकी माँ को तो मुक्ति मिली। मुझे तो ये कर्नल पागल लगता है। नहीं, नहीं, नहीं। कर्नल साहब बहुत सुलझे हुए आदमी है। अरे खाक सुलझा हुआ आदमी है। अरे माँ की अस्थियों को गंगा में बहाते हैं, थोड़ी कोई घर में रखता है, और वो भी कटोरी में। नहीं नहीं ठीक है, हम बाद में वार्तालाप करते हैं ना। अरे इस बात को अभी क्लियर कर देते ना। अरे हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से देखने की कोशिश करो। अरे जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उसी दृष्टि से आप देखने की कोशिश करो। आपने कभी कर्नल को देखा है? अरे उसको देख कर ऐसा लगता है कि उसका बुढ़ापा 20 साल पहले आ चुका है। उसकी बीवी को देखा है, ऐसा लगता है कि अभी भी जवानी आई है। अरे कौन से एंगल से रानी उस कर्नल की बेटी दिखती है? हाँ
टॉम ही उसका बेटा जरूर दिखता है। हम जो समझा रहे हैं तुम समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा करो तुम उनसे खुद पूछ लो। उनसे किन से? रानी से। अरे रानी को कर्नल ने थोड़ी बताया होगा। उस दिन तो मैंने ये सोचकर तुम्हें माफ कर दिया कि तुमने गलती अनजाने में की, मगर आज तुम जानबूझकर तुमने उस दिन मेरे पापा को यहाँ मारा, उनकी गाल पे, फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन आज तुमने मुझे यहाँ चोट पहुँचाई, उसका क्या? हाँ रानी, तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे थे कि मेरे पापा नहीं है? नहीं। कि मेरी मम्मी का कैरेक्टर खराब है? नहीं। डोंट यू टॉक टू मी अगेन, डोंट यू एवर टॉक टू मी। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगी थी। और आप पंडित जी, आपके ऊपर तो हैरानी हो रही है मुझे कि आप ऐसे गिरे हुए इंसान को अपने बचपन का दोस्त समझ सकते हैं, जिसे किसी की इज्जत क्या है उसका मतलब भी नहीं मालूम। रानी देखा, तेरी वजह से रानी को तू पहुंचा है। मेरी वजह से? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जब तुझे पता था कि रानी मेरे पीछे खड़ी है, बता देता मुझे। अरे कब से कह रहा हूँ मेरी दृष्टि से देखने की कोशिश करो। अरे दृष्टि समझ में नहीं आती, सात चिंतित नहीं समझ में आती हमें। गलतियाँ आप करो, परिणाम मैं भुगतूं। हाय हाय। अंकल बॉल प्लीज। बॉल चाहिए? क्या हुआ? अरे टायर फटा। अरे नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? पापा। अबे मेरी कुंडली पैदाशी खराब है, तेरे पढ़ने से ठीक नहीं हो जाएगी। अब आगे और कितनी खराब है वो देख रहा हूँ। क्या? ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड? हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। इससे भी बुरा? अरे जिस बृहस्पति को सबसे ऊपर होना चाहिए वो एकदम नीचे पाताल में चला गया है, और चंद्रमा जिसको सातवें घर में होना चाहिए वो बेघर हो गया है, और ऊपर से शनि आने वाला है। तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया। हाँ चला गया था, लेकिन लोगों की जिंदगी में शनि दोबारा 7 साल तक नहीं आता है, पर तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है। मेरी कुंडली में कुछ भी पॉसिबल है। ये समझो कि रास्ते में है। और मेरे रस्से लगा देगा? हाँ, ये शनि तुम्हारी जिंदगी और कुंडली दोनों को घुमा देगा, तूफान की तरह आएगा वो। क्या बोलता है जाने, सने चुरा लेगा माने। सने क्या बोलता है जाने, सने चुरा लेगा माने। मेरे गणित के हिसाब से वो इस घर में, इस कमरे में तुम्हारे साथ रहेगा, और रानी के दिल के दरवाजे पर दस्तक देगा। टक टक। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी, सनी। हाँ अंकल का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, भाई निकलो यहाँ से। यह आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, इसे कहो मेरा मुंह ना लगे। अंकल इतने चुप क्यों हैं? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है। बात को समझ। अरे चुप कर। अंकल जी मैं सनी, खुराना साहब का बेटा। कौन? खुराना? कौन खुराना जरा बताना। गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है। हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती और है, नुक्कड़ पे आकर वो मुड़ जाती है। दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती है। और कहाँ जाती है बोलो? तुम बोलो। सीधे इनके यार के घर पे। कौन यार? खोसला साहब। हाँ अभी तो खुराना बोला। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू, टेस्ट कर रहा था। अंकल जी आप जानते हैं, जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में, तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका। अंकल लौंडा, ये भी झूठ। देखो सच सच बताओ यहाँ क्यों आए हो। जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस। वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। अंकल जी। हाँ वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं देखो। अब बोल यहीं पे रुक जाओ। हाँ। चलिए आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी। सनी सनी नहीं शनी। ए तू चुप रे चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम, आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आऊँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे। आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रुपए, ये 9,999 रुपए भी लो, संभाल के रखना। और मैं जरा थका हुआ हूँ।
मुझे कमरा बता दो। दूसरे मोहल्ले में चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर। कमरा अच्छा बुड्ढे का। हाँ लेकिन आधा तेरा आधा मेरा है। अबे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे तू आधी आधी क्या बातें करता है? कभी तू यहाँ सो, कभी मैं वहां सो, कभी एक दूसरे के ऊपर सोएंगे, भाई भाई मिलके सोएंगे। हाथ में लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आधा किराया दिया है, आधा मेरा ना, ये साइड तेरा ये साइड मेरा है। अच्छा वैसे तो है कौन सा साइड? अच्छा गले तो मेरे। नहीं नहीं मैं लौंडों के गले नहीं लगता। अच्छा इतना इतरा रही है तू? जो भी समझना है समझ। अच्छा सुन, ये जो तेरे गुल्लक है, तेरे भगवान है, इन्हें भी तो वहां ले जा। भगवान में तेरे मेरा नहीं होते, भगवान सबके होते हैं इक्वल। और सुन, बंटवारा कमरे का हुआ है, दीवारों को नहीं, भगवान यहाँ से नहीं लेके। तो ये जो मैं पोस्टर लाया अपने बैग में, ये कहाँ लगाऊंगा? जहाँ मर्जी मैं लगा दे, यहाँ से भगवान नहीं लेके। सुन आइडिया दूं, बाथरूम में लगा, बाथरूम में। यार तेरे में इतना गुस्सा क्यों है? कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख ये बोलने में भी गुस्सा हो रहा है। अरे फिर से बोलता, कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख कमरा कितना गर्म हो गया है, खिड़की खोलनी पड़ेगी। खिड़की मत खोल। क्यों? वो आती है वहां से। मैं भी तो देखूं भूख कैसी लगती है। वैसे आधे पैसे दिए, आधी खिड़की तो जरूर खोलूंगा मैं। और तू मेरी साइड पे खड़ा, तेरे गले भी मिलूंगा। मैं क्रॉस हो जाता हूं। सारे गणित लगा दिए भगाने के। क्या नजारा है। अच्छा समीर, जानबूझ के दरवाजा बंद रखता था कि मैं ना कुछ देख सकूं, लेकिन हम भी वो हैं जो दूर से भू को सूंघ लेते हैं। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? नहीं, ये शरीफों का मौला है, और बाय द वे ये बहुत शरीफ नेक और पाकीज़ा किस्म की कन्या है, और कर्नल की बेटी है, वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे। हाँ। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। तुम मत कूदो। क्यों? तुम्हारी महादशा पहले से ही खराब चल रही है, तुम जाओगे अच्छे के लिए और गिरोगे कर्नल के ऊपर। हाय चेक्स। ये तो घर में घुस रहे हैं ना। मेरा गणित कहता है इनको टॉमी बाहर ही काटेगा। वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड डॉगी। तो अंदर चला गया। अरे तुम फिकर मत करो, मेरा गणित कहता है एक मिनट में कर्नल इनको बाहर फेंकेंगे। क्या नाम है आपका? टॉमी। अरे बड़ा अनोखा और नया नाम है। पेरी पेन अंकल जी। कौन हो तुम? सनी। और क्या चाहते हो? अंकल जी मैं बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अभी अभी मोहल्ले में आया हूँ, इंक्वायरी की तो पता चला सबसे शरीफ और ईमानदार लौंडे आप ही इस मोहल्ले में। लौंडे? और क्या, अपने आप को देखो, अच्छे खासे लौंडे शर्मा जाए आपको देख के। और एक मिनट, ये आपके कान में और ये पट्टा कैसा ब्रदर? मत पूछो, सोचता हूँ तो मेरा खून खौलता है। गणित गलत हो रहा है। अरे क्या कर रहे हो? मत करिए, मैंने अरे क्या कर रहे हो? अच्छी खासी हड्डियाँ ठीक कर दी है। ये तो छोटी सी लचक है, ध्यान से सीधे देखिए ये। अब बोलिए कैसा लग रहा है? सच बताइए। अच्छा लग रहा है। है ना? हाँ भाई, तुम किनके घर रहने के लिए आए हो? ये आपके पड़ोस में डुगल साहब के यहाँ। जिसने मेरी गर्दन तोड़ी है ना, वो कमबख्त वहीं रहता है। गुस्सा नहीं, मैं उसी के रूम में रहता हूँ। जानता हूँ बदतमीज है, सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए बुजुर्गों के साथ। वो तो इत्तफाक से बॉल लग गया। अरे डार्लिंग ये क्या हो रहा है? तुमने मसाज वाला कब से रख लिया? ना आज ही से। डार्लिंग ये मसाज वाला नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है, इसका नाम है सनी। हमारे सामने दुग्गल साहब के घर में रहता है। अच्छा अच्छा। एक बात कहूँ, ये जो मसाज है ना, कभी बंद कमरों में नहीं होता। इसके लिए ओपन गार्डन चाहिए या टेरेस गार्डन, ऐसी जगह तो कमाल। हाँ। लेके हमारे पास है ना टेरेस गार्डन। नहीं सची? हाँ। कहाँ? ऊपर। अरे मैं देख सकता हूँ। हाँ। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सनी। विकेट सनी। विकेट सनी। क्या खा लिया इसने? ये तो नृत्य मुद्रा में जा रहा है कन्या की तरफ।
देगा रानी। Wicked Sunny. Sorry. Hi. Sunny. A flower for a beautiful lady. Thank you. Pleasure. देखो, तुम्हारी लव स्टोरी इस खिड़की से शुरू हुई और कर्नल के कान पे जाके खत्म हो गई। इसकी लव स्टोरी हाथ मिलाने से शुरू हुई और सुहागरात की सेज पे जाके खत्म होगी। सर, मेरा कुछ कीजिए ना प्लीज। क्या करूं मैं आपका? मुझे एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा दे दीजिए ना। क्या? सिक्योरिटी। यस सर। तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम जानते हो? हाँ सर, मेरी धर्मपत्नी है। तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है क्या? है ना, दो है, है ना? लेकिन दोनों लड़के हैं और आप तो जानते हैं कि लड़के कैसे होते हैं। मुझे एक बेटी चाहिए। तुम मुझसे क्यों मांग रही हो? इनसे मांगो। सुनिए। अरे सुनिए ना। क्या है? इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे एक बेटी देंगे, इसलिए जब भी ड्यूटी से घर आते थे तो मेरे लिए गजरी और जलेबियाँ लाया करते थे और फिर बड़े प्यार से घर की खिड़की और दरवाजे भी बंद किया करते थे। लेकिन जब से आपने इनकी नाइट ड्यूटी लगाई है ना, घर की खिड़की और दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद होते हैं कि ये आराम से सो सके। मैंने माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन गलती तो गलती से होती है ना सर। आपसे भी कभी ना कभी गलती से गलती हुई होगी। हाँ, you're right. और मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ और मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। एक सेकेंड। रॉकी। यस सर। कल से रोज तुम इनके घर जलेबी और गजरे ले जाया करोगे, समझे? यस सर। ये क्या? उठी। क्या गलत बोला? सौ दादी के लिए, 500 बहन की पढ़ाई के लिए, 500 उसकी शादी के लिए, 5 रूम पार्टनर। अरे क्या नजारा है, इस कमरे का भाड़ा तो लाख रुपए होना चाहिए था भाई। ये क्या कर रहा है तू? कर्नल को देख रहा हूँ। अच्छा? देखेगा तू? देखा ले। ये तो कर्नल की बेटी है, हैं? दोनों एक जैसे क्यों लगते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये तू पी क्या रहा है? पानी। पानी है? तेरी कसम। अच्छा, पी। सुंगा, ये पानी है? अरे ये गोवा की स्पेशलिटी है, फैनी है, काजू का जूस है। अच्छा, अब मैं तेरा जूस निकालता हूँ। दुग्गल साहब से जाके कहता हूँ कि तू यहाँ पर शराब पीता है। सुन 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 सुन। देख। आज के बाद पीऊंगा। आज के बाद नहीं पीऊंगा। प्रॉमिस। ठीक है। बस ये लास्ट घूंट है। ये क्या है? अरे ये देख, मेरी दीवार पर तेरे देवता है, तो तेरे दीवार पर मैंने अपनी देवियां लगा ली, तो इसमें गुस्सा खाने की क्या जरूरत है? नहीं खा रहा गुस्सा। गुस्सा हो रहा तू? बिल्कुल नहीं। शांत गदाधारी भी शांत। देख, तुझे गाली देने का मन कर रहा है मुझे? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर मुझे कुछ बोलना चाहता है तू। मारने का मन कर रहा है? नहीं। मुझे मार। नहीं। मार ले। नहीं। एक मिनट, एक काम कर, तू अपनी साइड पे जा। ओके। शांति शांति। ठीक है भौचाल। दुग्गल साहब, आपने किसको मेरा रूम पार्टनर बना दिया है? हाँ, शराब पीता है, दूरबीन से कर्नल की बेटी को देखता है, और कर्नल उसको शरीफ आदमी समझता है। आपको जाके कर्नल को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। हाँ, आप क्यों बताएंगे? उसने तो पैसों से आपका मुंह बंद कर दिया है। मैं जाके बता के आता हूँ। दुग्गल साहब, लगता है जी बहने। दुग्गल साहब, भैरे।
सरदार, गर्दन में तो अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। नमस्ते आंटी जी। कान के बारे में भी कुछ सोचो ना। ये गर्दन एक बार ठीक हो जाए तो कान तो बड़ी छोटी चीज है, खींचते ही ठीक हो जाएगी। रानी कहाँ है? देखा रामा, एक ही कमरे में रहते हैं लेकिन कितना फर्क है इन दोनों में। एक कमीना मुझे जख्म देता है और दूसरा भला मानस मेरे जख्म की मरहम पट्टी करने के लिए रोज चला आता है। तमिहट। अरे समीर तो कहीं दिखाई नहीं देता, ये टॉमी किस पर भौंक रहा है? अंकल जी, कुत्तों की याददाश्त बड़ी तेज होती है, उसे याद करके भौंक रहा होगा। रानी कहाँ है? साला कुत्ता कहीं का। पापा 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 पापा। कैस क्या हुआ? बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? इस साल ऑल इंडिया फैशन डिजाइनर्स कंपटीशन गोवा में हो रहा है और इसके लिए मैंने अपने डिजाइन्स भेजे थे। हाँ। और वो डिजाइन सिलेक्ट हो गए हैं और इस साल के कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। पापा, मुझे कॉम्पिटिशन की एंट्री फीस भरनी है। दो दिन में सिर्फ 20,000 रुपए दे दो। मैं हूँ ना, शादी के बाद मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। 20,000? नहीं बेटा, इतने तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लीज पापा, मेरे लिए, ये मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता पापा, इन्हें पैसे दे दीजिए। गिव द मनी। बेटा कहाँ से दे दूँ, मैं रिटायर्ड कर्नल हूँ, पेंशन के ऊपर जी रहा हूँ, 20,000 रुपया कहाँ से निकाल के दे दूँ? कितना सेल्फिश बाप है ये। इट्स ओके। नाराज कर दिया ना आपने। इस महीने पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है। 12,000 रुपए की कान की मशीन आ गई, 3,000 रुपए का गले का पट्टा, 20,000 रुपए कहाँ से दे दूँ? अबे नहीं देगा ना तो आंख बचिए, हार्ट बचाए, लंग बचाए, किडनी बचिए, सब पंक्चर कर दूंगा। और दादी तू कहती गुस्सा मत कर। अरे क्यों नहीं करूं गुस्सा, वो कर्नल रानी को पैसा नहीं दे रहा है। अरे कौन उस बिचारी के काम आएगा, जी चाहता हूँ कर्नल का मैं गला। ए दादी, एक सॉलिड आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसका सपना पूरा करें और उसके बाद तेरी आंखों का ऑपरेशन करें। और दादी वैसे भी जन्माष्टमी आने वाली। अरे गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल मधुबाला। बहुत पैसे इसमें तो। छोड़ से, मैं छोड़ू बिस्किट नहीं, छोड़ कुत्ते, छोड़। वाह वाह टॉमी। डियरेस्ट रानी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हो। तुम्हारी तरक्की में कोई रुकावट ना आए इसीलिए ये पैसे भेजकर तुम्हारी पहली रुकावट दूर कर रहा हूँ। इसे एहसान नहीं, बस एक दोस्त का तोहफा समझना। और इस शो में जब तुम जीतोगी तो जितनी खुशी तुम्हें होगी उससे कहीं ज्यादा मुझे होगी। इस छोटी सी मदद के बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू भी नहीं। आई ऑलवेज बी विथ यू। तुम्हारा शुभ चिंतक, योर वेल विशर। Yes! I'm very happy. Sunny? Rani? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गिटार बजा लेते हो। Rani. बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम। I'm impressed. Wicked Sunny. आज मुझे लगता है मेरा गिटार सीखना सफल हुआ। How sweet. अच्छा लो लड्डू खाओ। ये किस खुशी में? उस दिन मैंने बताया था ना कि मुझे फैशन डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, आज मैंने उसकी एंट्री फीस भर दी। नहीं सच्ची, आई डोंट बिलीव इट। लेकिन मैं दो लड्डू लूंगा। क्यों? एक मेरे लिए और एक मेरे भगवान के लिए। चुरा लेगा रानी। तो लो ना। थैंक यू। विकेट सनी। मैं चलती हूं। अबे बेसुरे ढोल,
तेरे अब्बा ने भी कभी गिटार बजाया? दे मुझे। पापा तो इंदौर में बिजनेसमैन है। इंदौर में बिजनेसमैन है पापा, और तू गिटार बजा रहा था? मैंने कब कहा? वो तो वो बेचारी समझ के चले गई। हाँ, आपकी जुबान पे तो ताले लगे थे ना, सिर्फ ही कर सकते थे। अरे बोलना चाहिए था ना कि गिटार मैं बजा रहा था। मुझे क्या पागल किसी कुत्ते ने काटा हुआ है जो मैं उसको कहूँ गिटार मैं नहीं बजा रहा था, हमारे पंडित समीर मल्होत्रा बजा रहे थे। अरे बड़ी इम्प्रेस होके गई है। और बाय द वे, तेरी यहाँ की देवियों की तस्वीरें भी देख गई है, पता क्या करी थी? ओए मेरे साइड आ गया तो, मैंने कहा था किस कर लूंगा कोई भी चीज आई तो। पंडित सही कहता था कि तू सनी नहीं, तू शनि है, मुझसे दूर रहा कर तू। सनी सनी किस मी बेबी, ये तो गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूं, जी चाहता है। वो आ रहा है। अरे भाई सनी, तुमसे कितनी बार का तुम किराया, कितनी बार का आया किराया तो दो। अंकल जी डैडी को पता भेज दिया, वो पैसे भेजते होंगे। हाँ मगर ये बात याद रखो कि इस बार पैसे नहीं आए तो तुम यहाँ से जाना पड़ेगा। अंकल जी मैंने कभी आपको तंग किया? आंटी जी कभी तंग किया मैंने? तो फिर आप ये सफाई क्यों नहीं करते हो रेलिंग की? ये देखो तुम किराया तो दो, रोज सफाई हो जाया करेगी, फिर क्या है? वो चला गया तो बोला तो करो, मैं खामखा उधर बोल रहा हूँ। दुग्गल साहब हैं? हाँ है। तो चिट्ठी आई है सनी के नाम पर, वो इन्हीं के यहाँ रहते हैं ना? अबे हाँ यही रहते हैं, जा। दुग्गल साहब सनी की चिट्ठी आई है। अरे 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 आप कहाँ जा रहे हैं? दो दो चिट्ठियां हैं, दूसरी किसकी है? एक ही है, मैंने कहा दो। ओ, तो लो और इसको रवाना करो। हाँ हाँ तो जा रहा हूँ। तो जाना नहीं तो क्या यहाँ खाना खाएगा, नींद मारेगा? गया कि नहीं? चल पढ़ चिट्ठी। अरे सनी की चिट्ठी है, हम कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे इन्हें, वो हमारा किरायादार है, हमको मालूम होना चाहिए वो कैसा आदमी है, कैसे लोग उसको चिट्ठी लिखते हैं। पढ़। अरे पढ़ ना। खोलने तो दीजिए। लोहे की चिट्ठी है जो इतना वक्त लग रहा है। प्यारे बेटे सनी, जब से तुम गए हो मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे जहाज उदास खड़े हैं, उन्हें उड़ाने वाला कोई नहीं है। बेटे तुम्हारे बगैर मेरे 6 बंगले और 8 फैक्ट्री किस काम के? सुना है तुम किसी फकीर के यहाँ रह रहे हो, अगर कुछ दिन और रहना हो तो मुझे लिखो, मैं तुम्हारे मकान मालिक को एक बड़ा बंगला गिफ्ट करूँगा। तुम्हारा पापा? अरे क्या हुआ? सॉरी अंकल जी। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटे? ना पापा का कोई मनी ऑर्डर है, ना कोई खाता है, किस मुंह से रहूं यहाँ? तू उस दिन की बात का बुरा मान गया? तुझे यहाँ कोई तकलीफ है बेटा? नहीं नहीं, ना जेब में फूटी कौड़ी है, 10,000 थे आप कंसों ने छीन लिए, और आप कह रहे हो कोई तकलीफ है। अरे तू 10,000 की क्या बात करता है, तू मुझसे बोल मैं तुझे रोज 10,000 दूंगा। मगर तू यहाँ से कभी जाना नहीं है। आज से ना तू खाना यही खाना, और मैं तेरी लॉन्ड्री में क्या करूंगी? अच्छा हाथ तो छोड़ दो, और कच्चे कौन धोएगा? वो मैं धो दिया करूंगा, तू बोल तो मैं तुझे नहला दिया करूंगा, मगर तू यहाँ से कभी जाना नहीं है। नहीं जाना बेटे कभी। एक बात बोलूं, किसी ने सही कहा है कि अगर सच्चा प्यार पाना हो तो किसी गरीब की कुटिया में आकर रहना। दूरबीन रख, नहीं तो मैं कर्नल साहब को बोल दूंगा। बोल दे। तू शराब पी रहा है, तुझसे कहा था ना कल शराब मत पीना, रुक अभी मैं दुग्गल साहब को बोलता हूँ। उसको भी बोल दे। रुक रुक तू, दुग्गल साहब, दुग्गल साहब। कौन है बे? आप यहाँ बैठकर शराब पी रहे? यहाँ बैठ के नहीं पीऊ तो क्या छत में बैठ के पीऊ, गिर गया तो? इस वक्त आप शराब के नशे में, मैं आपसे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपसे कल सुबह बात करता हूँ। दिखाई तो सुबह से नहीं दे रहा है, फिर क्या फर्क पड़ता? आप इस बेचारे की बात का बुरा मत मानो, ये आपकी बोतल पकड़ो आप। ये लो। देखा? एक ये किराएदार है तू, तूने आज तक एक सड़ी चाय नहीं पिलाई, ये मुझे एज भी करा रहा है मालूम? कहाँ लेके जा रहा है? अरे मैं भूल गया, बिजली के पास चलना, चलो। हाँ। चलो चलो, उधर नहीं उल्टी साइड। मत जाइए, बहुत बुरी आदत है। मत जाइए। ये अपना तामजाम उठा के लेके जा। तामजाम उठाने की बातें कर रहा, जवाब दीजिए। मत उठाइए, हमारा घर है, ऑर्डर देने वाला ये कौन है? फिर मैं सब फेंक दूंगा। सरकार उठाइए और बाहर फेंक दीजिए। ये फेंक।
किसको पड़ी? कर्नल को पड़ी। अरे किसने मारा? समीर भैया ने मारा। हमारे मोहल्ले का शिकारी है ये। बड़े बड़े कर्नल मारे इसने। क्या तू मेरे साइड पे क्यों खड़ा? मैं तुझे किस करूंगा? जब बिजली से प्यार कर। हे रानी मुझे फिर से माफ। किस बात के? मैम वो तो एंट्री फीस थी, ये एंटरटेनमेंट टैक्स है। आप लोगों को ये सब बातें पहले बोलनी चाहिए। आप शो के एक दिन पहले मैं कहां से लाऊंगी ये पैसे? एंटरटेनमेंट टैक्स एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये सबको पता है। आई एम वेरी सॉरी, अगर आज शाम तक आप पैसे नहीं दे पाए तो यू कैन नॉट डू द शो टुमारो। कैसे नहीं शो करेगी, ये मेरी रानी है। नाउ व्हाट मैम? हे रानी रो मत, रो मत प्लीज, रो मत। शो करेंगे रानी, आई प्रॉमिस यू करेंगे शो। पता है तुझे, मैंने आज ही सुना गवर्नमेंट कहती है कि 21 साल से पहले किसी लड़की की शादी कराना गैर कानूनी है। बहना इसका मतलब तेरे पास 3 साल है और तेरी भाभी रानी के लिए सिर्फ 3 दिन। तो एक काम करना, ये 3 साल तू दिल लगा के पढ़ाई कर। मैं ये मटकी तोड़ूं प्लीज। थैंक यू प्यारी बहन। ₹5,000 कम है, परेशान हो गया मैं। हे भगवान तू ही मेरी मदद कर। बहन की पढ़ाई की मटकी क्यों तोड़ी? प्रसाद की तोड़नी चाहिए थी ना। Gentlemen, I hope you all enjoyed the scintillating show we had on tonight. It gives me great pleasure to announce this evening's winner, Miss Rani Jograt Singh from Goa. Yay! Fantastic! Congratulations and wish you all the very best. Thank you. Thank you. Idhar Batsun, Batsun. Koi nahi janta? No, but she's hot, man. She's really good. अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तुझे? बहुत अच्छी लगती है। किस्तियां कर रहा है बहनों को? Thank you so much. This is like a dream come true. मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। इस सपने को पूरा करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन एक शख्स है जिनका खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं ना उन्हें जानती हूँ ना पहचानती, मैं उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन वो एक अनजान दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद उस वक्त की जब मुझे किसी की बहुत ज़रूरत थी। वो अपने आप को मेरा वेलविशर कहते हैं, यानी मेरा शुभचिंतक। मैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं प्लीज़ मुझसे मिलिए, मैं आपसे खुद मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। Please. Thank you.
माई डियर गॉड, दादी हमेशा कहती है कि मेरी जिंदगी में एक रानी आएगी, लेकिन आज तक एक नौकरानी नहीं आई, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि रानी जरूर आएगी। ओ गॉड, बिगाड़ना नहीं है, आई लव हर टू मच। वैसे मैं उसको घर पे बुला लेता लेकिन वहाँ पे वो सनी है ना, इसलिए मैंने आपके यहाँ बुला लिया है। क्या बुरा किया? कुछ बुरा नहीं किया, सब कुछ अच्छा किया। मैंने सब सुन लिया है समीर, जो तुम कहने की कोशिश कर रहे थे और जो तुमने नहीं कहा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। आगे। वैसे गॉड, आपने इसे क्या बनाया है? सनी? नहीं सनी, ओ गॉड, इसको यहां पे क्यों? सनी, तुम? इसका मतलब वेलविशर तुम हो? बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जानता था एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। थैंक यू गॉड। अरे इसका गला छोड़ो, मेरे गले लगो, ये फ्रॉड है। मेरी रानी आएगी। शर्माओ नहीं और लो ना, अच्छी तरह से खाओ। आपका घर का दूध पी के मुझे घर की याद आ गई। ये भी तो आपका ही घर है ना? बिल्कुल बेटा, तुमने जो हमारी रानी के लिए किया है ये तो हम कभी नहीं भूल सकते, और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। आपको पता है माँ हमेशा कहती है दाएं हाथ से काम करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। सुना आपने, कितने महान विचार है। अरे मुझे क्या पता कहाँ आचार है। डार्लिंग, आचार नहीं विचार। ओ विचार, कितना फर्क है दोनों में, एक है राम और दूसरा रावण। अरे जितना मैं उस कंबख्त से दूर जाता हूँ उतना ही पास आकर मुझे मारता है। घर में होता हूँ तो फुटबॉल से मारता है, बाहर होता हूँ तो बोतल से मारता है, और फुटपाथ पर चलता हूँ तो सड़क के बीच में बुलाकर अपनी मोटर बाइक से मारता है। आ, आ, आ। देखो बड़ी सावधानी से समीर, एक बार फिर से बोलो।
कर्नल साहब, आई एम सॉरी, मैं ब्लडी फूल था, ये फूल स्वीकार करके मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ भाई, चलो माफ कर दिया। कर्नल साहब आवाज कहाँ से निकालते हैं? पता नहीं। ये कहाँ से आ गए? उठिए ना, आ गए। कितना हुआ भैया? कौन है ये सोते हुए महानुभाव? ये सिक्योरिटी गार्ड है, मुझसे अड़ रहा था, मैंने इसकी 3 महीने की नाइट ड्यूटी लगा दी। तभी अपनी पत्नी को लेकर सिफारिश के लिए आए हैं। मामा जी, what a pleasant surprise. कैसी हो भांजी? कितने पतले हो गए? क्या क्या बताऊं, क्या क्या गुजरी है इस बंदे पर। रानी का मामा, ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में उजाला ला सकता था, लेकिन तुमने तो उसे पहले ही अंधेरे में ढकेल दिया। अरे जीजा जी, ये आपके सारे बदन पे मरहम पट्टी कैसे? सनी बेटा, ये हमारे साले साहब हैं। अबे हरामखोर, इतनी मुद्दत के बाद शक्ल दिखा रहे हो। भैया, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? एक ही शहर में रहते हो और महीनों तक अपनी बहन से मिलने नहीं आते हो। अरे बहना, एक ही घर में रह के बीवी से नहीं मिल पाता, तुम शहर को लेके बैठी हो। क्या मतलब? अरे कमीना, मैनेजर आया, मुझे 2 महीने से नाइट ड्यूटी पे लगा रखा है। दिन में सोते हैं, रात में उल्लू की तरह जागते हैं, पेट में गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है, देखिए आंखों के नीचे काले गड्ढे भी पड़ गए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कमीना मैनेजर है कौन? वो भी ठीक है, आप हैं कौन? मामा जी, ये सनी है, सामने वाले घर में रहते। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सनी साहब। अरे वो भरत मिलाप तो होता रहेगा, लेकिन आप किसी मैनेजर के बारे में कुछ कह रहे थे। अजी छोड़िए ना, नाम भी याद मत दिलाइए उस कमीने का। इधर देखिए ना, किया क्या उसने? मेरा जीना हराम कर रखा उसने। नाम क्या उसका? अबे शनि, चुप, सुनो सुनो। समीर। अंकल जी, अपना समीर, आपका पड़ोसी, साथ में रहता है, रूम पार्टनर है। क्या समीर सामने रहता है? हाँ। समीर फकीर सामने रहता है? फकीर नहीं, समीर, जिसने आपको टूंडा किया है, अब इनके पीछे पड़ गया वो। देखो ना। बोलो। ओह, वो कमीना तो मेरे सारे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है। समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है समीर, फूलों को भूलो, कर्नल को छोड़ो, मामा को पटाओ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, ओ मामा जी, वक्त बदल गया है मेरा, अब मजा देखना। मामा जी, मामी, मैं आपके लिए कुछ प्रेजेंट्स और तोहफे लाया। अच्छा अच्छा। ये आपके लिए घाघरा चोली। थैंक यू। मामा जी, आपके लिए बुशर्ट रेड इन कलर, और बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ, और आप दोनों के लिए कुछ फल लाया हूँ। ये फल देकर आप हमसे किसी फल की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं 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 जी, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मामा जी, अगर बाय चांस मैंने आपसे कुछ गलत बोला हो तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने आप पे बड़ी नाइंसाफी की है, और आज से आपकी नाइट ड्यूटी खत्म। क्या कहा जी? तो फिर आज रात? जी आज रात। दामाद जी। दामाद जी? हाँ हाँ, दामाद जी। उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था कि ये रानी कौन है, तब आपने बता दिया होता तो अब तक तो आपके साथ फेरे हो चुके होते और मैं आपका मामा ससुर बन चुका होता। मामा जी, गलती तो गलती से होती है ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे भी गलती हुई होगी ना। मामी, मैंने कुछ गलत बोला? बिल्कुल ठीक कहा दामाद जी। हेलो 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 हेलो। समीर। नमस्ते। नमस्ते। आओ। ओ कर्नल साहब। तुम खबरदार, जो अंदर कदम रखा तो खड़े रहो वहीं पर। कर्नल साहब, आप इसे मेरा बैड लक समझिए या कर्मा, करने अच्छा जाता हूं, हो जाता है बुरा, जिससे आपको चोट पहुंचती है। मोहल्ले में 5,000 लोग हैं, 4,999 लोगों को छोड़कर तुम्हारा निशाना मेरे ऊपर ही क्यों लगता है? नहीं कर्नल साहब, कुछ ही घंटों में नया साल आने वाला है, गुजरे हुए साल के साथ गुजरी हुई बातें भूल जाइए ना प्लीज, मैं आपसे माफी मांगता हूं। तू क्या समझता है कि मैं डरपोक हूं? नहीं, याद रहे मैं एक फौजी हूं। जी। आज तक तुझे बच्चा समझकर माफ करता रहा। जी। लेकिन अब नहीं करूंगा। जी। कान खोलकर ध्यान से सुन ले। जी। आज के बाद मेरे आसपास 50 मीटर तक अगर तू या तेरी फेंकी हुई कोई भी चीज आई
तो आखिरी गोली मैंने पुर्तगालियों पर चलाई थी, लेकिन अब तेरे ऊपर चलाऊंगा। आउट। जी कर्नल साहब। गेट आउट। अंकल जी, हैप्पी 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 न्यू ईयर। हैप्पी 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 न्यू हथकड़ी। अब ये कौन सा तरीका है न्यू ईयर बोलने का? अभी बताता हूं। चार्ल्स कहाँ है? चार्ल्स या समीर? समीर? चार्ल्स की गैंग में कोई नया मुजरिम है? आंटी! आंटी? चार्ल्स की गैंग में औरतें भी शामिल हो गई हैं क्या? आंटी! अबे कौन आंटी? यहाँ कोई आंटी वंटी? अब इनके शेरवानी में क्या परेशानी हो गई है? अरे आज ये पुलिस ऑफिसर बने हैं। बने हैं? अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बीवी हो, ऐसे मुजरिम को कैसे जानती हो? मैं मुजरिम नहीं हूँ, अपने पड़ोसी से पूछ लो। कौन पड़ोसी? ओ वो रिटायर्ड फौजी। अब समझ में आया कि रिटायर होने के बाद वो मुजरिमों को अपने साथ रखता है। ओ, मुझे छोड़ दो रानी, मेरा वेट कर रही है। काहे का वेट कर रही है? किसी को मर्डर करने के लिए, बैंक रॉबरी के लिए, या स्टैम्प पेपर छापने के लिए? अबे क्या बेटा, अब तो तुम यही सड़ते रहोगे पुलिस की वैन आने तक, इसके बाद जेल जाओगे। चलो तुम क्या आए भर रही हो? किस कमबख्त ने इनके सर पे डंडा मारा था, खुद तो भाग गया, मुझे फंसा गया। जेल का सूट पहनकर भी आज ही आना था मुझे। अबे क्या 2010 में रानी को मिलूंगा क्या? मेहरबान, कदरदान, शुक्रान। दोस्तों अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है जादू। क्षमा चाहता हूँ जादूगर साहब, ये कपड़े से फूल, पगड़ी से कबूतर, डिब्बे से खरगोश निकालना बहुत आसान है। मुझ पे जादू करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। भाई चैलेंज की बात कर रहा है। ठीक है लड़के, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ आ बेंच पर लेट जा। लेट जाता हूँ, इसमें कौन सा बड़ा जादू है? जादू है नहीं, अभी होगा। मेहरबान, मैं अपनी छड़ी के जादू से इस लड़के को वहां पहुंचा दूंगा हवा में। अगर कोई आदमी छड़ी के सहारे हवा में लटक जाता तो कोई भी हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीदता, सब आदमी छड़ी का इंतजार कर रहे होते। इतना ज्योतिष तो हमने भी पढ़ा है। तेरे सामने नादान जादूगर खड़ा है, चल आजा, लेट जा यहाँ। तो आपका ये सेवक मेज पर पड़ा है, दिखाइए जादू। बहुत बड़बड़ा है। हाँ लो, लेट गया। ओम भीम श्रीम चामुंडाए, अपनी छड़ी का जादू दिखलाए, लड़के को हवा में लटकाए। जादूगर से पंगा ना ले, भटक जाएगा जमीन का आदमी, हवा में लटक जाएगा। अरे जादूगर महाराज, मुझे विश्वास हो गया। अरे मैं इससे ज्यादा ऊपर लटका तो ऊपर ही चला जाऊंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे नीचे उतारो। ठीक है तो टपा। देखो समीर, मैं तुम्हारे लिए सिंपल कर देती हूँ। तुम पापा से 50 और मुझसे 500 मीटर दूर रहोगे, समझे? अब मैं आप लोगों को एक जलवा दिखाता हूँ। आप यहाँ आएंगी प्लीज? मैं आऊं? नो, मत जाओ, ये तुम्हें पेटी में डाल कर चुरे भोग भोग के तुम्हारे 4-5 टुकड़े कर दे। और कोई भी एक लड़का, कोई भी आ जाए। जादूगर साहब, लड़का है, बहुत चुस्त दुरुस्त कसा हुआ मुस्तंडा। सनी आए उससे पहले अवसर का लाभ उठाओ समीर, जाओ। अरे आप इधर आइए। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। आइए ना प्लीज, इधर आइए। देखिए अगर आपको इनके साथ जादू वादू करना है तो किसी और लड़की को बुलाइए, मैं जा रही हूँ। एक मिनट मैडम, मैं ही चला जाता हूँ। ओहो, समझ गया साहब, समझ गया। आप दोनों के बीच तो बड़ी नाराजगी है, चलिए आप दोनों की नाराजगी को दोस्ती में बदल देता हूँ। कर सकते हैं? हाँ, और आपके झगड़े को प्यार में बदल देता हूँ। Is that possible? Impossible. एक मिनट मैडम, आपका नाम? रानी। और आप? समीर। समीर। तो देखिए, समीर और रानी, आज और अभी से तुम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो, और आज का दिन तुम्हारा पहला न्यू ईयर है।
तुम दोनों सबके सामने बता दो कि तुम दोनों के दिलों में कितना प्यार है। फ्रूस बाबा मैं ये देख रहा हूं कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं क्या होता। बिना पाजेब की पैंट होता, बिना सोल का जूता होता, बिना दिल के शरीर होता। अगर तुम नहीं होती रानी। रानी नहीं, मिसेस समीर मल्होत्रा कह के बोलो। मिसेस समीर मल्होत्रा। सच कहूं तो तुमसे पहली मुलाकात में ही मुझे प्यार हो गया था। मैं भी तुम्हें पाने के लिए कितना तड़पा हूं, अब और मत तड़पाओ। वैसे अब तो सब्र मुझसे भी नहीं होता। फ्रूज बाबा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर। यार समीर, काफी देर से ये सोच रहा हूँ। क्या? तेरे को गिटार बजाना आता है, पेंटिंग करनी आती है, गाना गाना आता है, काफी मल्टी टैलेंटेड आदमी है तू। पता है क्यों? क्योंकि मैं हूँ, तू नहीं। अच्छा चिपका है। मजे ले रहा है तू। लेकिन तुझमें ही बहुत अच्छा टैलेंट है। वो क्या? वो ये कि तू झूठ बोलकर बेवकूफ अच्छा बनाता है। I don't believe you God. ए सुनना भाई, मेरी भी एक पेंटिंग बना ना। माइंड मत करना, लेकिन मैं सिर्फ खूबसूरत लोगों की पेंटिंग बनाता हूँ। एक और। ओके। एक बात बोलूं? बोल बोल बोल। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। 10 बात बोल। बोल। तू जितना भोला दिखता है ना, उतना है नहीं। वो भला क्यों? रात को कैसे तूने 2 घंटे में रानी को पटा लिया? जली ना। तू जितना उसके करीब जाता है ना, मेरा मन करता उतना और करीब आऊं उसके। जली ना, तेरी भी जली ना। तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं दोस्तों की गर्लफ्रेंड को पटाना चाहता हूँ, उनके करीब जाना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ओके 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 सीरियसली। Now something very serious. देख, जब मेरी शादी होगी ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी और मेरी बीवी की पेंटिंग तू बनाए। You know, वो मेरे पट पे बैठी हुई है और मैं उसके पास लेटा हुआ हूँ। वो ब्लैक एंड व्हाइट में, मैं कलर्ड में, सब जगह फूल ही फूल। बनाऊंगा। किसके साथ शादी कर रहा है? बिजली के साथ? नहीं, मैं रानी के साथ। जली ना, देख। गुस्से में तेरे खुद का नुकसान हुआ ना। अगर कसम नहीं खाई होती तो इस ट्यूब की तरह इसको पिचका देता। हैप्पी न्यू ईयर दुगल अंकल। समीर का है? ब्रश ब्रश ब्रश, फटाफट एमएफ हुसैन का चेला बजा। पीपी हुसैन। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में। सनी। कौन? विकेट सनी। रानी, तुम पेंटिंग भी बना लेते हो? ये तो बस यूं ही। और वो भी मेरी। How sweet. बस दिल के अरमां आंसू में बह गए। सनी, तुम तो बिल्कुल ही छुपे रुस्तम निकले। अरे क्या रुस्तम, बस यूं ही, कभी पेंटिंग, कभी गिटार, कभी गाना, बस यूं ही। इसलिए लोग तुम्हें इतना मल्टी टैलेंटेड कहते हैं। वैसे समीर भी बहुत मल्टी टैलेंटेड है। कल रात की न्यू ईयर पार्टी में तुम इसको देखना चाहिए था। क्या डांस किया, क्या गाना गाया। He completely rocked the party. Oh, he rocked. Yeah. अरे मैं तो उसे क्लासिकल सिखा रहा हूँ, वो रॉक कर रहा है। अरे समीर, गुड गुड। एनीवे, तुम दोनों के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लेकर आई हूँ। वो कहाँ है? वो इस वक्त लैटरिन में है। थोड़ा वक्त लगेगा, आप रुक जाइए। नहीं नहीं, इट्स ओके। उसको पिला देना और तुम भी पी लेना। एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।
रानी आई थी? हाँ आई थी। अब तू ये कहेगा कि तेरे अब्बा ने भी कभी पेंटिंग की है क्या? और मैं ये कहूँगा कि मेरे पापा तो इंदौर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। फिर तू ये कहेगा कुत्ते झूठे कहीं के। वो तो तू है ही, और ये जो तेरा ख्वाब है कि रानी तुझसे प्यार करे, वो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। ख्वाब ख्वाब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरी कमजोरी क्या है। अच्छा, क्या है मेरी कमजोरी? यही कि तू रानी से कह ही नहीं सकता कि तू उससे प्यार करता है। तो सुन, आज मैं अपनी दादी की कसम खा के कहता हूँ कि पूरी दुनिया के सामने मैं अपने प्यार का इजहार रानी से करूंगा। और मैं भी अपने इंदौर के बाप की कसम खा के बोलता हूँ कि रानी को दुल्हन बना के मैं इस घर में लेके आऊंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरी शादी रानी से होगी, और अगर मेरा इरादा पक्का है तो उसका हाथ पकड़ के मैं ही लाऊंगा। हाँ, मेरे लिए रानी के सनी भैया। भैया नहीं, सैया। रानी, ये सैया बहुत बड़ा सिंगर और पेंटर है। आज मैं तेरे सामने इसकी पोल खोलता हूँ। सनी, कम ऑन जानू, लेट्स गो। रानी इतने प्यार से जूस लाई थी तेरे लिए, मैं ही पी ले। रुक! किसके लिए लाई थी? तेरे लिए। तो फिर मैं पीऊंगा। विकेट सने। अरे आधा तो बांट। मैं रानी की कोई चीज नहीं बांट सकता। जा, भगवान करे ये तुझे कड़वा लगे। रानी की हर चीज मुझे मीठी लगती है। अरे अरे डकार तो मार। तस्वीर बनाऊंगा, गाना गाऊंगा और सनी को एक्सपोज कर दूंगा। ये कौन सी नई बीमारी है? एक दुग्गल सा बर्दाश्त करना मुश्किल है। 1, 3, 5 बर्दाश्त के बाहर। Sorry. It's okay. No problem. No problem. I'm happy. I'm happy. Mar ke ka jata hai, rock. Rani, sorry. तो यहीं लेट, मैं इनको लेटा के आता हूं। आ ईगल, आ तुझे बनाता हूं सीगल। बड्डे, मार इस मच्छर को। अबे साले, तूने बहुत बड़ी गलती की है, जो ईगल गैंग से पंगा लिया है। एक सनी बर्दाश्त नहीं होता, और आ गए छह, छहों के छक्के छोड़ाता मैं। आ ए मम्मी, अटैक बॉयज। Hey!
ब्रावो! मुझे देख के भोंकता ना तुम हमेशा। अब भोंक भोंक, अब अगली बार भोंका ना तो यहां से गायब कर दूंगा, समझा? अपने अपने बच्चों और अपने कुत्तों को संभाल के रखो। इस बार छोड़ रहा हूं, अगली बार फेंक दूंगा तुझे। टॉमी बेटा, बाहर मत जाया करो, मोहल्ले में बहुत खराब लोग आ गए हैं। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी ऊंची आवाज में बात की है? हाँ? वो कल समीर तुम्हारे ऊपर कितना चिल्ला रहा था, बदतमीज कहीं का है। बेटा जाओ घर में खेलो और बाहर नहीं जाना, मेरा अच्छा अच्छा बेटा। तुम कहां चले गए टॉमी? तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल होगा, कुछ तो सोचा होता। डार्लिंग, टॉमी के जाने का दुख हमें भी है, लेकिन उसकी याद में अपने आप को कब तक भूखा प्यासा रखोगे? चलो ना पापा, कुछ तो चल के खा लीजिए, अब तो मुझे भी भूख लग रही है। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं करता। कर्नल साहब, अबे रुकता क्यों नहीं तू? कर्नल साहब, मिला सारा गोवा और सारा गली कूचा छान मारा, लेकिन टॉमी का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ गया वो, लगता है मुझे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। हा? लेकिन मेरे टॉमी का कौन दुश्मन हो सकता है? डुगल साहब, डुगल साहब नहीं, क्योंकि ये तो कल से अंधे है। समीर? हा? समीर क्यों? नहीं नहीं, समीर नहीं हो सकता, लेकिन वो कर भी सकता है। हा? याद है कल उसने सबके सामने धमकी दी थी, इसको मैं गायब कर दूंगा, और कहा था अगर ये भौंका तो मैं इसको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। अरे नहीं, कल वो नशे में था। नहीं नहीं। अच्छा, समीर नहीं तो उसी ने किया है। कौन है? उस कमीने ने मेरे शरीर के सारे अंग अंग तोड़ दिए हैं। पापा जी, और अब वो टॉमी को मुझसे अलग करके ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रहा है। समीर, कहां छुप कर बैठा है चोर? मैं तुझे वार्निंग देता हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर तू मेरा टॉमी वापस नहीं लाया तो मैं तुझे जेल करवा दूंगा। पुलिस में अभी तक मेरा बहुत रसूख है, रसूख छोड़ूंगा नहीं। रुबाब, रुबाब, समीर, दे दे कुत्ते, कीड़े पड़े साले को। ये क्या नया बमाल है, प्लीज तेरे बाप का इलाज कर। भला मैं अपने साले टॉमी को क्यों किडनैप करूं, क्यों किडनैप करूं? अरे यार, कहां ढूंढूं इस भोंकू को। काफी नस्ल के कुत्ते हैं आपके पास।
कुट्टा नहीं कहने का, भड़क जाएगा। मैंने इन्हें अपना बच्चा समझ के पाला है। ये है रुस्तम, आई छे सौरभ खाटा कम है घुर्राता ज्यादा है, आई छे साइरस वफादार है लेकिन काम खाने का पीने का सोने का और मजेदार लाइफ जीने का, और ये है मुझे ये कुत्ता चाहिए, ये है अरे आई तो मारी पास अच्छे आर यो मारो डिक्रो टिंटिन टिंटिन हेलो करो हाय टिंटिन वैसे तो शरीफ डिक्रो छे लेकिन एक बार इसका दिमाग गया ना तो काट के ही छोड़ता है। और डिक्रा एक बात ख्याल रखना, कभी भी इसको ठंडा पानी से मत नहलाना। लेकिन इसके यहाँ पे काला धब्बा नहीं है। अरे डोंट वरी आर यू सॉल्यूशन। कर्नल साहब जरा देखिए तो सही कौन आया है। अरे टॉमी, टॉमी मेरे बेटे। अरे टॉमी कहाँ चला गया था तू? अरे समीर तुम्हें ही कहाँ से मिला? बेचारा एक पुलिया के नीचे बैठा था, कांप रहा था, हमेशा मुझे देख के भौंका करता था, लेकिन इस बार करके मेरे पैर पकड़ लिए इसने। मुझे लगा मुझसे ये कह रहा है कि प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा? आप पापा? अरे हाँ, हमारे बेटे जैसा ही तो है। टॉमी थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। पापा समीर की वजह से तो आज टॉमी घर आया है, अब तो माफ कर दो ना इसे। हाँ हाँ माफ कर दिया, माफ कर दिया। रमा चलो खाना वाना लगाओ, चलो चलो। अरे बच्चे टॉमी तू किधर चला गया? ये क्या हो रहा है? सनी देखो ना, समीर की वजह से टॉमी आज घर आ गया। वेल डन समीर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। बता ये कुत्ता मिला कहाँ तुझे? कहाँ मिला? मैं भी ढूंढ ढूंढ के थक गया। तुझे रानी की कसम भाई, मेरी आंखों में देख, कुत्ता कहाँ मिला तुझे बता। सनी बेटा देखो ना, पता नहीं मेरे टॉमी को क्या हो गया है। जब से वापस आया है गैरों की तरह बर्ताव कर रहा है, बदला बदला सा लगता है। गली के गंदे कुत्तों के साथ रह गया है। और लो बाबूजी मिल गया इलाज, इसे ठंडे पानी के साथ निचोड़ के नहला दो। हाँ क्या करके नहला दूं? रगड़ रगड़ के नहला दो। ओ हाँ हाँ हाँ। ब्रेकफास्ट इज रेडी, आइए बैठिए। धोना नहीं है टॉमी को? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले टॉमी को नहलाऊंगा, बाद में नाश्ता करूंगा। पापा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नहीं बेटा मैं अभी आता हूँ। आओ टॉमी हम नाई नाई करेंगे। अब वो समीर का है, सनी जाके समीर को बुला लाओ ना प्लीज। मैं नहीं जा रहा उसके पास, वैसे भी वो लेट उठता रानी, खामा खा मार वार देगा मुझे। एक काम करो ना, तुम चली जाओ ना। अच्छा मैं बुला के लाती हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। समीर? कौन? समीर सो रहे हो क्या? उठो ना। ए सनी आवाज बदल के परेशान मत कर मुझे, सोने दे। समीर। रानी एक सेकेंड, अभी आया। उठो, तुम कौन हो? हाँ तुम कौन हो? बिजली। अरे तुम कौन हो? रानी बाबा। हाँ रानी दो सेकंड तो, मुझे अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सो रही थी तुम्हारे साथ। मैं तो तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए लेने आई थी। रानी मैंने कुछ नहीं बना, दो सेकंड में आ रहा हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ? मैं आऊँ क्या? जा 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 जा। ये तो दो। ये क्या? वो। अरे वो क्या? वो ही। वो यार। आओ। आओ। हाँ आती हूँ आती हूँ। समीर समीर। सॉरी रानी। छी। देखो रानी जो तुम सोच रही बिल्कुल गलत सोच रही हो। और जो मैं देख रही हूँ वो क्या? ये मेरा नहीं है, ये इसका है। तुम पहनो। तो रानी मैंने कोई गलत नहीं किया है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू ना, मैं तुझे देख लूंगा। रानी तुम्हारी कसम रानी, मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ। एक अनजान लड़की के साथ तुम।
रानी तुम्हारी सर की कसम मैं उसे जानता तक नहीं। न जानना पहचान, तुम किसी भी लड़की को बुला लोगे? सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। पहले तो तुम सिर्फ लड़की को जानते थे, अब तुम्हें सर में भी घुसा लिया। रानी दिस इज टू मच, मेरी बात तो सुनो। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस? Yeah! Hey! ये लड़की, बॉस की बात सुनाई नहीं दे रही तुझे? हाँ, जो बॉस बोल रहा है वही कर समझे। हाँ, वरना ईगल गैंग पकड़ कर तुझे बॉस के सामने पेश कर देगा। हाँ, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस हुक्म करो। ए, किसी कुछ मजाल जो बॉस कुछ कह दे। बॉस जो कुछ भी करना यही करो, सड़क पे इसके साथ पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। अरे डर मत, नहीं पकड़ूंगा। बस यही कसर बची थी। नहीं, बदतमीज तुम, नहीं शराबी तुम, नहीं लड़की बास तुम, नहीं और इतनी जल्दी ईगल गैंग के लीडर भी बन गए। नहीं हूँ लीडर। शेम ऑन यू समीर। अरे फगेर है बॉस, एक से एक चिकनी पड़ ली है गोवा में, जिस पे भी उंगली डालोगे ना अगले दिन आपकी बाहों में। हाँ, जगह जगह अपन का राज चलता है, आप हुक्म करो बॉस। रानी, रानी, ठंडे ठंडे पानी से नहा के हमारा टॉमी एकदम सुंदर हो जाएगा, एकदम से अच्छा हो जाएगा। वो गंदे कुत्ते हैं ना उधर मोहल्ले में, उनके साथ मत खेलना तुम। हाँ देखो कितने गंदे हो गए तुम, शाबाश। बहुत बीबा बेटा है हमारा, बहुत बीबा बेटा है, शाबाश शाबाश। अरे ये क्या काला रंग, मतलब ये मेरा टॉमी नहीं है? ए, 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 जंगली कुत्ता है क्या? रमा, एक कुत्ते ने मुझे काट दिया। रमा रमा, ये हमारा टॉमी नहीं है। रमा, ये डुप्लीकेट टॉमी है, जंगली कुत्ता है। समीर ने हमारे हाथों में जंगली कुत्ता थमा दिया। ओह माय गॉड, मैं उसे नहला रहा था, उसका सारा काला रंग निकल आया। ये देखो, ये समीर के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। उल्लू के पट्टे ने मुझे कुत्ते से कटवा दिया। हे राम, ये आदमी है कसाई है, मार मार के थक गया, इन्हें अब कुत्तों से कटवा रहा है, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता। 14 इंजेक्शन लगेंगे इन्हें पेट में। चलिए पहला लगवा लीजिए, जाओ जाओ जल्दी, चलिए चलिए, छोटे छोटे लगवाऊंगा इनके पेट में। अरे 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 अरे, रुक रुक रुक। ओहो, ओ खटारा। 40 रुपए मैडम। ये लो, ये तो 20 है। अरे हर सीनियर सिटीजन को 50% डिस्काउंट मिलता है, चाहे रेलवे से जा या बस से जाओ। अरे ये तेरा रिक्शा तो खटारा है। ए दादी, ए मेरी दादी आई, दादी आ गई, दादी आ गई। हाँ, इस बच्चे की उम्र तो देखो, मुझे दादी बुला रहा है। समीर, समीर बेटा। नहीं दादी, समीर को मत बुला, समीर बहुत खराब है। क्यों? वो कल मेरा ना चॉकलेट लेके भाग गया था, आज है ना मैं तुम्हारा चश्मा लेके भागूंगा। मेरा चश्मा दे। नहीं, मैं भागूंगा, तुम पीछे पीछे आओ। क्या हो रहा है? देखिए, इस 60 साल के बुढ़े को जरा समझाइए प्लीज। जी, ये मेरे पति हैं। क्या? नहीं, मैं इनका बेटा हूँ। हाँ, ये मेरी पाली पाली मम्मी है। मम्मी, दादी को बोलो ना चॉकलेट ला के दे, बहुत कंजूस है। मेरे प्यारे बेटे, लो मेरा चश्मा दे दे। मगर एक छलक पे। वो क्या? अपन क्रिकेट खेलेंगे। अरे मुझे वैसे ही नजर नहीं आ रहा है। मैं इसको बॉल की तरह फेंकूंगा, तुम उल के कैच पकड़ना। नहीं आ रहा। रानी का पूरा खानदान मुझसे नफरत करता है, यहां तक कि उसका कुत्ता टॉमी भी। दादी, ये आपके पोते की प्रेम कथा है, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरे बच्चे, तू चिंता क्यों करता है? अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तू लड़की मुझे दिखा दे, मैं खुद जाके बात करूंगी। अच्छा, आ जाओ दिखाता हूं उसे। मेरे बच्चे। दादी, वो रही रानी। कहाँ है बेटा? वो दादी
सामने तो खड़ी है। हाँ। है ना खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा तू ऑफिस जा और अपना काम कर, मैं उसके घर जाकर खुद बात करूंगी। ओके दादी, बाय। बाय बच्चे। बेटी। जी माँ जी, मैं यहाँ हूँ। ओह, अरे तुमने मेरे समीर पर क्या जादू कर दिया है? जी, अरे वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, उठते बैठते सोते जागते बस तुम्हारी ही बातें करता है। ये आप क्या कह रही है? आप अच्छी तरह से जानती है कि कर्नल। बेटी मैं जानती हूँ कर्नल समीर से बहुत नाराज है। बेटी एक बार तो शादी के लिए राजी हो जा, कर्नल को तुम दोनों के बीच से हटना ही होगा। बेटी तुम डरना नहीं, अगर तुम समीर से प्यार करती हो तो कर्नल तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। समीर और रमा हा? मेरा बेटा दुनिया की वो खुशियां देगा जो कर्नल नहीं दे सका। तुम्हें कर्नल से डर लगता है तो मैं तुम दोनों को भगा के ले जाऊंगी। समीर अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या बात है, आ जाएगा। आ जाएंगे दादी माँ। लो आ दादी। समीर। दादी बात होगी दादी? हाँ बेटा बात हो गई। वेरी गुड, रानी मान गई? रानी मान गई। अच्छा अब तू उसकी माँ से बात कर ले और वो कर्नल को मनाएगी। हाँ उसके बाद 11 रुपए प्रसाद चढ़ा देंगे, कथा समाप्त। दादी ये क्या? दादी ये पानी है, कॉफी ये रही। अरे बेटा जब से ये चश्मा टूटा है ना मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। दादी फिर आपने रानी से कैसे बात की होगी? अरे बेटा मुँह से बोला जाता है, आँखों से थोड़ी, और फिर तेरी पसंद तो अच्छी होगी। जी दादी। दादी हाँ? ये कितनी उंगलियां हैं? 4 3 दादी दादी। अरे बेटा अभी मैं पूरी तरह अंधी नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत नजर आता है, और तू चिंता क्यों करता है, जा रानी की माँ से बात कर ले। समीर चलिए माँ जी। हाँ मैं आपका ये चश्मा बनवा देती हूँ। अच्छा बस कुछ ही समय में हम आपकी ससुराल पहुँचने वाले हैं। लो पहुँच गए। जय कर्नल जुगराज सिंह। ये क्या है? अरे सेंट पीटर चर्च से होली वाटर लेकर आया हूँ। जाओ, ना ही आपके होने वाले ससुर घर पर हैं और ना ही आपकी होने वाली धर्मपत्नी जी हैं। जाओ सीधे सुंदर सी सासू माँ से बात करो। वो मेरी बात सुनेगी ना? हाँ हाँ, अंदर जाकर कुंडी जरूर लगा देना। कुंडी क्यों बंद करूँ? अरे नहीं, इससे ना ही वो बाहर जाएंगी ना ही तुम्हें बाहर निकाल पाएंगी। बात समाप्त होते ही कुंडी खोल देना, साधारण सी बात है। हाँ हाँ जाओ, हम हैं। ये लगाई कुंडी। समीर तुम ये कुंडी क्यों बंद कर रहे हो? ताकि आप मुझे घर से बाहर ना निकाल सकें और आप खुद भी घर से बाहर ना जा सकें। इस यमदूत को भी अभी आना था। देखो समीर तुम जो कुछ कर रहे हो ना गलत कर रहे हो। प्यार करना कोई गलत है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी प्यार नहीं किया? किया है ना? नहीं। तो फिर मेरे प्यार पे इतनी पाबंदियां क्यों? देखो समीर तुम। समीर समीर कहाँ है? आपकी मिसेज के साथ अंदर। क्या? आप अंदर नहीं जा सकते जब तक समीर का काम ना हो जाए। जब तक समीर का काम ना हो जाए? मुझे एक मौका दीजिए, मेरे पास प्यार में देने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ समीर, प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। नहीं, जब तक आप हाँ नहीं कह देंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे 2 मिनट का ही तो काम है कर्नल साहब, कर लेने दो ना। देखता हूँ क्या कर रहा है वो कर्नल साहब। अरे लेकिन आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? जब दादी बात कर चुकी हैं, कर्नल तो सिर्फ आर्मी में कर्नल थे, आप इस घर की कर्नल हैं। अगर आपने हाँ कह दिया तो कर्नल भला क्या कर सकते हैं? समीर प्लीज फॉर गॉड से मेरा पल्लू छोड़ दो। अरे जो हो रहा है होने दीजिए चुपचाप, कहीं जवानी के जोश में भाग गए तो इज्जत किसकी जाएगी, बदनामी किसकी होगी? आप दफा हो जाए यहाँ से। फॉर गॉड सेक समीर। आपकी साड़ी अटक गई है।
फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी साड़ी निकाल देता हूं। रमा, रमा। हेलो कर्नल साहब। लो दुशासन को देख लो। रानी, क्या सोच रही हो बेटी? देखो, जैसे तुम सब लोग सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। समीर ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। इसके बारे में मैंने बाद में बहुत सोचा। मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारे बारे में कुछ कहने के लिए आया था। वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम किसे चाहती हो, समीर को या सनी को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मा। सनी बहुत अच्छा लड़का है, he treats me really well. मुझे समीर भी पसंद है, पर वो पापा को पसंद नहीं। मैं क्या करूं? देखो बेटी, पापा और हमारी पसंद की फिक्र मत करो, तुम अपने बारे में सोचो। मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हें पहले ये सोचना है कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, समीर या सनी। और अगर ये भी समझ में ना आए तो फिर भगवान पर छोड़ दो। बेटा, सुकून की तलाश में तू यहाँ आया था, अब कहाँ जाएगा? ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ लोग ही ना हो। अंडमान निकोबार चला जाऊंगा। पूरे शहर में एक भी आदमी होगा तो उससे तुम्हारा पंगा होगा। चाहे कितने भी शहर बदल लो, लेकिन उससे कुंडली तो नहीं बदलती ना। बेटा, मैं जानती हूँ तू रानी से बहुत प्यार करता है, क्या तुम उसे भी छोड़कर जाओगे? खुशी से थोड़ी ना जा रहा हूँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि जाना पड़ेगा। चलो दादी माँ, बोट का समय हो गया। ख्याल रखना समीर। क्या बात है, रानी नहीं तो पंडित ही सही। क्या हुआ? जा रहा हूं मैं। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता? तुझे क्या, दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। तूने रानी और मेरी मुलाकात देखी है, हमारी शादी कौन देखेगा? तू जानता बे, मुझे और रानी को मिलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? ये गलतियां करता रहा और वो मेरे करीब आती रही। अरे हाँ, उस दिन तूने क्या सॉलिड आइडिया दिया यार, सारी दुनिया के सामने रानी को प्रपोज करने का। और इत्तेफाक की बात है, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, उसके बाप को भी इनवाइट किया है, रानी भी आने वाली है। मैं सोचता हूँ सारी दुनिया के सामने जाके बोल ही दूं, रानी आई लव यू, रानी मुझसे शादी करोगी। आज तेरी तकदीर बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने रानी के ख्वाब देखना छोड़ दिए। खुश रहे। मारपीट, गुस्सा, प्यार, लड़की को प्रपोज करना, ये सब मर्दों का काम है। तू बैठ के सिर्फ गिटार ही बजा समीर। एवरीथिंग इज फेयर व्हेन लव इज वॉर।
A very warm welcome to viewers all over the world. It promises to be a glittering extravaganza, a rip-roaring occasion, my dear friends. आज का मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे पास पहली बार गोवा के इस मशहूर स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान फ्रेंडली मैच खेलने वाले हैं। रानी को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। रानी, 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 रानी कौन है? सर ये रानी रानी क्यों चिल्ला रहा है? Who is this रानी? ओ दिल्ला मामला यार, शाबाश शिराज चेक दे बट्टे नप दे के ली। रिश का मामला ठीक है यार। रानी, रानी, सुनो रानी, कहाँ छुप गई भाभी? बॉस कितने परेशान हैं। मिलेगी, डोंट वरी, मिलेगी। भाभी, रानी कहाँ हो तुम? समीर, समीर अब यहाँ समीर, समीर, समीर। हेलो हेलो, हमारे बाइक के साथ पंगा, अमित से फाइट। रानी, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहने आया था, शादी मत करना सनी के साथ। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। रुको रुको रुको, ये कुछ कहना चाह रहा है, लगता है इसका प्यार का मामला है। ये लो। Love is a condition of the mind at a time when the mind is out of condition, my dear friend. Baji, but we have a match to start after the lovers depart. रानी, जैसा तुम मेरे बारे में सोचती हो, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, मुझसे गलती जरूर हुई है कि मैंने अपने गुस्से को काबू में कर लिया, नहीं तो सनी को मारते मारते गोवा के बाहर पहुंचा किया था। लेकिन आज सनी ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसने मुझे जाने से रोक दिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं रानी। रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूं सनी, सनी। और आज से नहीं, उस दिन से जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, और उस दिन से जिस दिन से कर्नल साहब मुझसे नफरत करने लगे। कर्नल साहब, बहुत गलतियां हुई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। रानी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो
इट्स कूल, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल मुझसे यह कहता है कि तुम करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैं यहां पे सबके सामने बहुत परेशान है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए कि तुम मुझसे शादी करो, हमारा परिवार हो, बच्चे हो, जिनके बाल, नाक, आंख, होंठ, गाल सब तुम पर जाए, मेरा सिर्फ सरनेम हो, वो भी इसलिए कि मेरे बाबूजी का सरनेम था मल्होत्रा। बहरहाल इन शॉर्ट सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। वो बोलना यार मुझसे शादी करोगी, बोल दे। वो नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा। रानी मुझसे शादी करोगी? अरे जरा जोर से बोल, मुझसे शादी करोगी? सुनाई नहीं दे रहा है। Louder my friend, let the whole world hear the sound of love. Not only strike while the iron is hot, but make it hot by striking. Rani, mujhse shaadi karogi? 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 Haan kar do bhabhi. Please haan kar do. Rani beta, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही सही लड़का है। कम से कम तुम्हारे साथ शादी होने के बाद ये मुझे मारेगा तो नहीं? ओ कुड़िये कह दे हाँ। ओ मुंडे च बड़ा जोश है, तनु प्यार करदा हैगा, पब्लिक दे विच भी कहंदा हैगा, कह दे हाँ। भाभी प्लीज हाँ कर दो। जा बेटा जा, जा ना जा। स्टुपिड, आंखें और स्माइल तुम पर जाएंगे और मल्होत्रा सर ने हमें बहुत पसंद है। भाई साहब जरा माइक देना। मेरी मां कहा करती थी, गुस्सा प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो गुस्से को काबू नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ काबू नहीं कर सकता। देख समीर, मेरी माँ कहती है गुस्सा प्यार का दुश्मन है, जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उससे काबू में कुछ नहीं होता। अबे तेरी माँ नहीं, मेरे दोस्त अरुण की माँ कहा करती थी ये। अपने दोस्त की बात याद है, लेकिन अपने दोस्त को भूल गया तू? तू मेरा दोस्त अरुण नहीं हो सकता, तू कमीना है। मेरा दोस्त अरुण बहुत अच्छा था। तू जानता है 19 साल बाद जब मैं अमेरिका से लौटा तो सबसे पहले किसके घर गया? तेरे घर। ए समीर! समीर तो है नहीं, आप कौन है? दादी मैं। अरे समीर का बचपन का दोस्त अरुण। अरुण! अरे बाप रे! ये दादी मेरा दोस्त कहाँ है? वो तो गोवा गया है। अभी वैसा गुस्से वाला या बड़ा होके शांत हुआ है कुछ? बेटा उम्र के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। फिर दादी ने मुझे तेरी सारी प्रॉब्लम बताई, कैसे तेरा दिल टूटा, कैसे तू डिप्रेस हुआ, कैसे गोवा गया और वहां रानी से मिला और उसे चाहने लगा और उसके खातिर अपने गुस्से को हमेशा के लिए दबा दिया। तो फिर ठीक है, मैं समीर को फोन करके आती हूं। नहीं दादी, तुम उसे कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि उसका इलाज मैं दोस्त बन के नहीं दुश्मन बन के करूंगा। अरुण, इसीलिए मैं गोवा आया, तेरे साथ तेरे ही घर में और तेरे ही रूम में रहा। अरे अब मैं समझा तू यूं क्यों करता था मेरे भाई। आजा। पतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी,
कुत्ता तेरा यार। आम का अचार, आजा मेरे यार। बदतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, अरे बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, आजा मेरे यार। क्या हुआ? अरे फिर से क्या गलत किया यार? अभी तेरी किस्मत खराब है बेटा, फूटी है फूटी, लेकिन अब कुछ नहीं उखाड़ सकता। हे अब तक तो तड़पा बहुत ये बेचारा, तुम्हारे लिए ही रहा ये कवारा, अब तुम ही तो इसकी दुल्हनिया बनोगी, ओ इससे शादी करो जी, इससे शादी करो जी, इससे शादी करो जी, ओ इससे शादी करो जी। अरे लगता था इसने सताया है मुझको, मगर इसने रास्ता दिखाया है मुझको, मगर तुम तो मेरी दुल्हनिया बनोगी, इसकी भाभी बनो जी, मुझसे शादी करो जी, इसकी भाभी बनो जी, मुझसे शादी करो जी। Wicked Sunny.